ओके स्टूडेंट्स, आज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें इस डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, ये एक्चुअली हमारा 3 मंथ्स का कोर्स था। इसमें फर्स्ट 10 वीक्स जो थे वो डिजिटल मार्केटिंग के थे, और उसके बाद जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं ना, वो AI ट्रेनिंग के, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली उसे कहते हैं। तो इन स्किल्स में क्या क्या कुछ इंक्लूडेड होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है। जस्ट ये नहीं कि सिर्फ आपको बोलना नहीं सिखाया जाएगा, इसके साथ साथ रिटर्न लिखना भी सिखाया जाएगा। मीन्स कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है, क्योंकि जाहिर है जब हम ये प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि हम कोई भी किसी क्लाइंट का वर्क भी कर सकें, ठीक है। तो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करना है, उन्हें मेल कैसे लिखनी है, चैट बॉक्स में उनके साथ कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इसमें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा ईमेल्स लिखने का तरीका क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये AI बेस्ड ट्रेनिंग होगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर थोड़ी सी इंक्लूडेड है। और जैसे आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम चैट चैट GPT को भी बहुत काफ़ी यूज करते हैं, कि हमने किसी कुछ भी किसी के साथ बात करनी है, किसी कुछ रिटर्न फॉर्म में सेंड करना है, तो उसके लिए हम चैट GPT को भी यूज करते हैं। तो इसमें चैट GPT का यूज भी थोड़ा सा शब्द सिखाया जाएगा। मीन्स कि आपको अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बात करना, उसको डील करना आ जाए, कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस कर सकते हो कि आपको काम आता है और आप उसको अच्छा काम करके दे सकते हो। ये सारी इसके अंदर जो है ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये 2 वीक्स की ट्रेनिंग है, जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं ना, तो इसके लिए वो स्टूडेंट्स जो है ना, इसकी 2000 फीस होगी 2 वीक्स की, ठीक है। तो ये फीस आप 2000 रुपीज पे कर दीजिएगा। और इसके लिए ना ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और फिजिकल भी हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो है ना थर्सडे फ्राइडे को होंगी 4 to 6 PM, ठीक है, 2 डेज ही होंगी वीक में। और ये 15 अगस्त से स्टार्ट होंगी। 13 अगस्त तक तो आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होगी, उसके बाद 14 अगस्त को तो आपको पता है वेकेशन छुट्टी होगी, तो उसके बाद 15 अगस्त से स्टार्ट होंगी ये कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस, ठीक है। तो उसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, फीस पे कर दें 2000, और उसके बाद वो इसकी क्लास जो है ना वो ले सकेंगे। अच्छा, अब फिर हम अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का हमारा काम रह गया था, फेसबुक मार्केटिंग में लास्ट जो हमारा काम है ना, आज हम वो इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद ये हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, ये फेसबुक मार्केटिंग जो है ना, अगर आपने क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स, इसके आगे इसकी सब फील्ड्स भी बहुत सारी हैं। तो ये जो फेसबुक मार्केटिंग है, इसकी एक स्पेसिफिक निश कंसिडर की जा सकती है। और अगर आप इसके अंदर स्पेशलिटी हासिल कर लेते हैं ना, तो इसके थ्रू ही आप मंथली 40 to 50 thousand इजीली अर्न कर सकते हैं किसी क्लाइंट का वर्क करके। और इसके थ्रू आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं, अपना फेसबुक का पेज है और या इंस्टा का पेज है, उसको अच्छे से स्टेब्लिश करें, उसको उसकी कवर पिक्चर और उसकी लोगोस अच्छे डिजाइन करें, उसके पोस्ट अच्छी करें, जैसे मैंने आपको पोस्ट करनी सिखाई है उस मेथड से, ठीक है। उसके बाद आप उसकी उसके उन पेजेस की जो एड्स रन करें, तो आप अपना जो है ना बिजनेस अच्छा अच्छे तरीके से खुद भी रन कर सकते हैं। तो इसका आपको आगे काफी बेनिफिट होगा अगर तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो है ना क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स से फिलहाल ना स्टार्टिंग में लोकल क्लाइंट से बात करें। मीन्स कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो है ना वो बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं आपका काम ऑनलाइन अगर करूँ तो आपको ज्यादा ज्यादा सेल्स में आएंगी। और उन्हें कन्विंस करें कि अगर आप तो इस एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्लाइंट मिलता है। अगर मैं आपके ऐड डिफरेंट सिटीज में चलाऊं, तो आपको वहां से भी क्लाइंट्स आएंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप उनको कन्विंस करके उनकी एड्स रन करें, तो आपके जो स्टार्टिंग में अगर आप लोकल क्लाइंट्स का काम करते हैं, तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप फॉरन क्लाइंट्स के काम भी इजिली कर सकते हैं। अच्छा, आज जो हमारा काम है मेनली, हमने अगर तो हमने सिर्फ अपनी एड रन करने के लिए देखा था कि फेसबुक के अंदर यहाँ पर अगर हम ये 3 9 डॉट्स पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पे एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन होता है। ये हमारा हर एक के पर्सनल प्रोफाइल के अंदर, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर एक पर्सनल एड्स मैनेजर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो एड्स मैनेजर है उस पर क्लिक करके
तो आप यहाँ से अपनी एड्स जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस की एड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस की एड्स नहीं क्रिएट रन करनी जस्ट, मतलब अपने फेसबुक पेज से अपने एड्स रन नहीं करनी, बल्कि किसी और क्लाइंट की एड रन करनी है ना, तो उसके लिए आप उस क्लाइंट के पर्सनल एड्स मैनेजर से एड ही रन करोगे, क्योंकि पर्सनल जो एड्स मैनेजर है उससे एड रन करने के लिए आपको फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन करना जरूरी है। फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन हुई होगी आपके पास, तो वहां से आपके पास पर्सनल एड्स मैनेजर जो है वो ओपन होगा। लेकिन कोई भी शख्स, कोई क्लाइंट भी है ना, तो वो भी आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल के एक्सेस तो नहीं ना देगा, वो आपको अपना पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें नहीं बताएगा कि आप मेरा यूज करके तो इसके थ्रू कर लें। हर एक की अपने सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनता है, आपने वो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट अपना भी क्रिएट करना है और इसके साथ साथ क्लाइंट का भी क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर आप, हम लोग जो है ना एक एड अकाउंट बनाते हैं, उस एड अकाउंट की जो है ना एक्सेस उस जो हमारा क्लाइंट है उसके एड मैनेजर की एक्सेस अपने बिजनेस मैनेजर में लेते हैं, और फिर अपने बिजनेस मैनेजर के थ्रू उनका जो है ना एड्स मैनेजर उसको मतलब हम उसको हैंडल करते हैं और उसके थ्रू एड्स रन करते हैं। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हमने बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपने अपने क्लाइंट के एड्स मैनेजर की एक्सेस कैसे लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों काम हमने आज कवर करने हैं, इसके बाद फिर अगर आप जब हमें एक्सेस मिल जाएगी उसके बाद एड्स मैनेजर के थ्रू एड्स कैसे रन करते हैं वो तो आपको आता है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या एक मैं आपको ये सिखाना है कि बिजनेस मैनेजर कैसे हमने क्रिएट करना है, और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से पहले एक स्टेप होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको वो भी बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, ये जो एड मैनेजर हमने ओपन किया ना, इसमें यहाँ पे देखें ये जो मेरा नेम लिखा हुआ है ना, ये क्या है, और इसके आगे देखें एक नंबर भी शो हो रहा है। अगर मैं इसको इस एरो को क्लिक करती हूँ ना, तो इसके नीचे लिखा जाता है एड मोर एड अकाउंट्स, मीन्स कि ये एक एड अकाउंट है, ये मेरा नेम लिखा, इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये एड अकाउंट है और इसकी आईडी ये है, ठीक है। एड अकाउंट असल में क्या होता है, एड्स मैनेजर एक आप कंसीडर करने की एक ऐप है जिसके थ्रू आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है। और एड अकाउंट असल में फेसबुक की तरफ आपका एक अकाउंट होता है, बनता है फेसबुक के अंदर, ये पर्सनल एड अकाउंट होता है, इस एड अकाउंट के थ्रू आप एड्स रन करते हो, ठीक है। तो कोई भी जो एड्स हम रन कर रहे होते हैं वो एड अकाउंट के अंदर रन हो रही होती है बेसिकली, और हम ये एड अकाउंट कहाँ बना होता है, एड मैनेजर के अंदर, ठीक है। जब आप अपना पर्सनल एड मैनेजर ओपन करते हो तो उसके अंदर यहाँ पे ना आपका एड अकाउंट, पर्सनल एड अकाउंट शो होता है, और ये फेसबुक ने खुद ही बनाया होता है, आपने खुद से क्रिएट नहीं करना होता, ठीक है। तो आपकी जो भी एड्स रन होंगी वो इस एड अकाउंट के अंदर रन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करके और एड अकाउंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो मैंने आपको जैसे भी बताया कि हमने क्या करना है इस टाइम, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, और बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने से पहले एक स्टेप है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, वो क्या होता है वो मैं आपको 1 मिनट डिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, जब हमने ना अपनी एड्स रन करनी होती है तो हम उसके साथ अपना कार्ड अटैच करते हैं ना पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो जब हम बिजनेस मैनेजर के अंदर एड्स रन करते हैं तो वो जस्ट हमारी एड्स नहीं रन हो रही होती, बल्कि उसमें हम एक से ज्यादा क्लाइंट्स की एड्स भी रन करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्लाइंट्स की एड्स को एक बिजनेस मैनेजर से मतलब हैंडल कर रहे होते हैं, और बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने अपना कार्ड भी अटैच किया होता है ताकि हम पेमेंट करें ना। तो अब सपोज करें कि हमने अपना कार्ड अटैच कर लिया और हम अपने एड्स भी रन कर रहे हैं ना उसके थ्रू, बिजनेस मैनेजर के थ्रू। अब सपोज करें कि किसी ने आपका फेसबुक जो है ना अकाउंट को हैक कर लिया, तो वो आपके जो कार्ड है ना उसके थ्रू वो अपनी एड्स भी रन कर सकता है, तो इस तरह से आपको जो है ना लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना वो किसी और के एक्सेस में ना जा सके, उसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जाती है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने से क्या होता है कि जैसे आपने अपना फेसबुक अकाउंट अपने पीसी में या अपने मोबाइल में पहले से लॉगिन किया हुआ है ना, तो हम उसका पासवर्ड भी सेव कर देते हैं उस ब्राउजर के अंदर, तो जब हम ओपन करते हैं तो हमें दोबारा से पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ता ना, वो डायरेक्टली ओपन होते हैं। लेकिन अगर सपोज किसी और ने आपके जो फेसबुक प्रोफाइल है ना उसको एक्सेस करने की कोशिश की है किसी और डिवाइस से, किसी यानी अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से,
तो जब जो फेसबुक होता है ना, उसके सारे उसके पास सारी हिस्ट्री होती है कि किस ब्राउजर से ये मोस्टली ओपन हो रहा है हमारा फेसबुक अकाउंट। तो वो अगर तो हम एक ही ब्राउजर से कर रहे हैं, एक ही डिवाइस से कर रहे हैं ना, तो वो ओपन होने देता है। लेकिन जैसे ही उस हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर की हुई है ना, तो फिर फेसबुक ने जैसे ही देखा कि किसी अननोन डिवाइस से आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हुआ है, तो फेसबुक क्या करेगा कि उसको कहेगा कि एक कोड, फेसबुक ना आपको एक कोड सेंड करेगा आपके ऑथेंटिकेशन डिवाइस के अंदर। ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन ऐप जो होती है ना, हमने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे करनी है। अच्छा, उस ऐप के अंदर फेसबुक आपको एक कोड सेंड करेगा, और वहां पे उस डिवाइस जिसने भी लॉगिन करने की कोशिश की है, उस डिवाइस में, किसी और डिवाइस में, वहां पे उन्हें मैसेज जाएगा कि जो कोड सेंड किया गया। अगर तो मतलब फेसबुक तो ये कंसीडर करेगा ना कि हो सकता है कि आप ही किसी और डिवाइस से अपना ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफाइल, तो वो आपको ये कहेगा कि आपको जो मैंने कोड सेंड किया है ना, आप मुझे वो कोड यहाँ पे एंटर करें, ताकि मुझे आपकी ऑथेंटिकेशन क्लियर हो जाए कि आप खुद ही अपने इसको अपने प्रोफाइल को किसी और डिवाइस से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अगर हम मीन्स हमने खुद ही अगर किसी और डिवाइस ओपन करने की कोशिश की है, तो हमारे पास कोड आया, तो हम अपना कोड वहां पे एंटर करेंगे, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि हमने ही ट्राई किया है इसको ओपन करने का, तो फेसबुक आपको ओपन करने देगा, उस डिवाइस में ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और कोशिश कर रहा है उसको ओपन करने की, आपकी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करने की कोशिश किसी और ने की है अपनी डिवाइस में, तो उसके पास तो कोड नहीं गया ना, तो अब वो कोड एंटर नहीं कर सकता। अब जाहिर है कि वो तो रॉन्ग ट्राई ही करेगा, कुछ गलती एंटर करेगा, तो फेसबुक उसको ओपन नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, कि आपका जो अकाउंट है ना, फेसबुक अकाउंट, वो सिक्योर हो जाता है कि आपके अलावा कोई और उसको ओपन नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास ऑथेंटिकेशन कोड ना हो, और वो कोड आपके पास ही होगा। अगर आप किसी को नहीं दोगे तो किसी और के पास तो नहीं जा सकता ना। तो अब हमने वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ, और मेरे साथ साथ ना आप लोग भी अपनी डिवाइस पे मतलब अपने फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लें, और साथ साथ ये स्टेप्स फॉलो करें, और अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना उसको ऑन कर लें अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये है सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें और फिर सेटिंग्स में जाएं, यहाँ तक करें जल्दी से, मुझे डन का मैसेज कर दें चैट बॉक्स में। जो बच्चे यहाँ तक ये तीन चीजों पे क्लिक कर लेंगे ना, ये डन का मैसेज करें, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाके दोबारा सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये तीनों चीजों पे क्लिक करके जल्दी से मुझे डन का मैसेज कर दें। ओके, अब इसके बाद ना ये देखें, ये सेकेंड ऑप्शन आ रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें। अब वो ये पूछ रहे कि आप किसके ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं, तो मैंने फेसबुक जो पेज अपना प्रोफाइल है ना उस पे लगानी है, तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करूंगी। ठीक है, आप भी जल्दी से करें। और अपना पासवर्ड जो है ना, आपने वो यहाँ पे एंटर करना है, जो फेसबुक का पासवर्ड आपका था। ठीक है, जो फेसबुक प्रोफाइल का आपका पासवर्ड है ना, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तो आपने पहले से सेव किया हुआ ना ब्राउजर में, तो वो ऐसे नीचे शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा जस्ट। मैं ये क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास पहले से सेव हुआ है, और उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक करना है, आप भी सबमिट पे क्लिक कर दें जल्दी से। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे ना, थोड़े से डिफरेंट आएंगे, मेरे डिफरेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना पहले से ऑन की हुई थी अपनी प्रोफाइल की, आप लोगों ने नहीं की हुई ना, तो आपके थोड़े से चेंज आएंगे, मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है, आप लोगों को करें साथ साथ। ठीक है, अब आपको ना तीन चार ऑप्शन शो होंगे कि आपने अपना लॉग इन कोड आपको कैसे मिलेगा, मीन्स के अगर कोई भी किसी और डिवाइस से ट्राई करता है ना आपकी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करने की, तो उसको आपको एक फेसबुक जो है ना लॉगिन कोड सेंड करेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि वो लॉगिन कोड आप कैसे चाहते हैं कि आपको फेसबुक सेंड करे। ठीक है, तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन ऐप की ऑप्शन आ रही होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऐप वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक, और ये क्लिक करने से पहले ना एक काम करें आप लोग, अपने ना मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर से ना गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप जो है ना वो इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर ओपन करें और वहां पे सर्च करें गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो एक ऐप ओपन होगी, हमने वो इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। समझ आ गई, यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करना है, और हमने मोबाइल में से हमने प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये दोनों काम करने कर लें,
उसके बाद जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक वो स्कैन कोड शो होगा। वो जैसे आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोड आता है ना स्कैन करने के लिए, जैसे आप व्हाट्सएप को अगर अपने लैपटॉप पे ओपन करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप ऐप के थ्रू, तो आपको एक बार कोड शो होता है कि आप उसको स्कैन करें, और वो व्हाट्सएप में स्कैन करते हैं। वैसे ही जब आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो आपको एक कोड बार कोड शो होगा, और वो आपने अपनी ऑथेंटिकेशन ऐप ओपन करके उससे स्कैन करना है। ठीक है, हम जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपको ऑथेंटिकेशन ऐप जो है ना आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और फिर जब भी कोई आपको आपका अकाउंट फेसबुक प्रोफाइल जो है ना किसी और डिवाइस में ओपन करने की ट्राई करे, या आप खुद किसी और डिवाइस में ओपन करने का ट्राई करेंगे ना, तो आपके जो ऑथेंटिकेटर ऐप है ना जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए, उसके अंदर एक कोड फेसबुक सेंड करेगा, वो कोड आपने एंटर करना होगा, तो फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल किसी और डिवाइस में ओपन होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है ना, वो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से पूछे, मैं रिपीट कर देती हूँ, और अगर क्लियर है ना तो क्लियर का मैसेज करें, और जल्दी से ये काम कर भी लें आप लोग कि यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक करें, और ऑथेंटिकेटर ऐप जो गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना ऐप अपने इंस्टॉल कर लें मोबाइल में, और कोड को स्कैन भी कर लें। ठीक है, तो फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी ना। मीटिंग ओवर होने लगी है, जस्ट 1 मिनट रह गया, तो मैं इसको यहाँ से मैं फिलहाल बंद करती हूँ मीटिंग, और आप लोग ये काम ना 5 मिनट्स में कर लें कंप्लीट, अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, और उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट काम करेंगे। और ये याद रखिएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे ही आप ऑन करेंगे, तो आपके अपनी जो डिवाइस में पहले से फेसबुक लॉगिन था ना, वो मतलब अगर आपने अपना पासवर्ड सेव भी किया हुआ था, तो अब फेसबुक आपसे दोबारा पासवर्ड एक बार मांगेगा, आप पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर दोबारा से लॉगिन होगा आपका फेसबुक आपके डिवाइस में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लिंक सेंड करती हूँ, और फिर मैं बाकी काम तब आपको कराऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी स्टूडेंट्स, अब मुझे पहले आप ये बताइए कि जो मैंने आप लोगों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने का कहा था, वो सब लोगों की हो गई है? जिस चीज की नहीं हुई, मतलब जिसकी हो गई है पहले, तो वो डन का मैसेज कर दे, जिसकी नहीं हुई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि क्या प्रॉब्लम है उसे। चले गुड। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद हमने बेसिकली अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए ना मैं आपको वेबसाइट बताई थी मैंने, कि आपने यहाँ पे लिखना है बिजनेस facebook.com/overview। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने आपको चैट बॉक्स पे भी पेस्ट की है, तो आप वहां से आप लोग कॉपी करें, और अपने यूआरएल ये वाला जो है ना एंटर करें, और तो यहाँ से ये जैसे ये लोड हो जाए, आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट में जाकर अपना यहाँ पे बिजनेस का नेम देना है, वो बिजनेस का नेम वो वाला होना चाहिए जो अपने अपने ब्रांड का नेम रखा था। ठीक है, जो उन सभी अपने अपने ब्रांड का नेम रखा है, बेसिकली यहाँ पे ना हमने क्योंकि जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उसको एज एन एजेंसी यूज करना होता है, और दूसरे लोगों की एड्स को रन करना होता है। ठीक है, तो हमने अपनी जो एजेंसी का नेम रखा है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कोई भी नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मेरी एजेंसी का नेम मैंने एड्स प्लायर लिखा हुआ है, इस तरह से आप कुछ भी सिलेक्ट करके अच्छा सा नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है, और अगर आपने किसी क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपने उस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये जल्दी से यहाँ पे आप अपने एजेंसी का जो भी नेम आपने सेलेक्ट किया है वो लिखते हैं, और यहाँ पे अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करें। ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कर लिया, क्योंकि मेरा जो आप ईमेल एड्रेस है ना उसके ऊपर मेरा बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, और एक ईमेल एड्रेस में हम एक ही बना सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं यहाँ पे बनाऊंगी, आप लोग अपना बना लें। आप अपना यहाँ पे एजेंसी नेम एंटर करो, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लें, और एजेंसी नेम जो है ना वो आप खुद से कोई भी सोच सकते हैं, जैसे मेरा एड्स फेयर है, इसके अलावा आप मतलब ऐसी एजेंसी जो कि दूसरों की एड्स को रन करती है, उसका आपने नेम सोच के लिख लेना। ठीक है, वेबसाइट है लियन डोमेन सर्च। ठीक है, आप इसको ओपन करके ना यहाँ पे अगर आप एड्स लिख के सर्च करें, तो आपको नीचे एड्स से रेलिवेंट बहुत सारे नेम्स दे देगा, इनमें से भी आप कोई नाम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एड एजेंसी का। ठीक है, जैसे ये देखिए क्रिटिकल एड्स आ रहा है एड्स, और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो सब लोगों का यहाँ पे बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा, उसकी रीजन पता ये है कि आपका ना कुछ ना कंडीशंस हैं, अगर आप वो फॉलो कर मतलब
वो कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी तो ही आपका बिजनेस मैनेजर बनेगा। उसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो प्रोफाइल है ना, फेसबुक प्रोफाइल, वो 30 डेज ओल्ड होना चाहिए, मतलब 30 दिन पुराना आपका बना होना चाहिए फेसबुक प्रोफाइल। और इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो बिजनेस मैनेजर का, सॉरी, फेसबुक प्रोफाइल का जो नेम है ना, वो आपका वो वाला होना चाहिए जो कि आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ इमेजिनरी नेम्स रखे होते हैं, जैसे पापा की परी, इस तरह से नेम्स रखे होते हैं, तो उनका फिर बिजनेस मैनेजर नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए बिजनेस मैनेजर का बेसिक पर्पस क्या है, दूसरे लोगों के एड्स रन करना या अपनी एड्स रन करना। तो अब यहाँ पे तो फेसबुक उसके लिए आइडेंटिफाई करता है पहले ना, आईडी कार्ड की पिक्चर्स वगैरह देख के उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये राइट जो पर्सन एड रन करना चाह रहा है, अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा रहा है, ये वही है जिसका जिसका अपना आईडी कार्ड भी है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको अलाउ करता है एड्स रन करने की। तो आपका नेम जो है ना, वो होना चाहिए जो आपका रियल नेम है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है वो वाला नेम। तो और उसके अगर तो इसके अलावा थर्ड चीज ये है कि जब हम ये अकाउंट अप्लाई करते हैं ना बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए, तो फेसबुक आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। उसके लिए आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर्स अपलोड करनी होती है। तो अगर तो और वो जो आपका आईडी कार्ड है ना, वो स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड है, तो फिर आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनेगा, ठीक है। और जो पिक्चर्स है ना, आपने वो लेनी लेने के लिए जो एक ऐप है, कैम स्कैनर ऐप, वो ऐप यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल कैमरा से पिक्चर लेते हो ना, तो मोबाइल जो आपकी आईडी कार्ड है ना, उसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत स्मॉल स्मॉल सी रिटर्न होती है, तो वो इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी क्लियर नहीं होती। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने कैम स्कैनर ऐप जो है ना, आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है, और उस ऐप के थ्रू आपने अपनी पिक्चर्स लेनी है फ्रंट बैक की, ठीक है। उससे काफी क्लियर पिक्चर्स आती हैं, पिक्चर पेपर मतलब जो चीज लिखी, जो टेक्स्ट रिटन है ना, बहुत क्लियर आ जाता है। तो आप उसके थ्रू पिक्चर्स लेंगे, और उसके बाद आपने दो पिक्चर्स अपलोड करने की ऑप्शन नहीं होती, सिंगल पिक्चर अपलोड करनी है, आपने फ्रंट और बैक की जो पिक्चर्स है उनको एक ही स्क्रीन में अपलोड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंगल पिक्चर के अंदर दो इमेजेस ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कैनवा ओपन करना है, और ये कैनवा विजुअल सूट है, इस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, और इसके अंदर हमने कोलाज को फाइंड आउट करना है। कोलाज का मतलब होता है कि एक ऐसी ऐसी पिक्चर जिसके अंदर मोर देन वन इमेजेस मौजूद, हम कलेक्टिवली एक ही पिक्चर बनाते हैं और उसके अंदर मोर देन वन इमेजेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कोलाज लिख के सर्च किया ना, तो यहाँ पे काफी सारे कोलाज आ रहे हैं, कुछ जो है उसमें बहुत ज्यादा सारी पिक्चर्स हैं। हमने वो वाला कोलाज चेक करना है जिसमें टू पिक्चर्स हो, ठीक है, जैसे ये वाला है, क्योंकि हमने दो ही ऐड करनी है ना, तो ऐसा कोई कोलाज सेलेक्ट कर लें जिसमें दो पिक्चर्स हैं, ताकि आप उसके अंदर उन दोनों पिक्चर्स की जगह पे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स को अपलोड कर दें, ठीक है। हम अपने यहाँ से जो है ना, अपलोड वाली ऑप्शन से आप अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ अपलोड फाइल पे जाके आपने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर यहाँ से अपलोड कर देनी है। जैसे अब मेरी है तो सही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सबके सामने अपलोड करूँ, इसलिए मैं कुछ और यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट आपको सिखाना ही है पर्पस। ठीक है, और जो सेकंड है ना, यानी इस तरह से हमने चेंज कर, यहाँ जो दोनों अपने आईडी कार्ड से पिक्चर्स लगानी है, ठीक है, फ्रंट बैक, और फिर इसको यहाँ से अपने जेपीजी फॉर्म में सेव करना है, डाउनलोड करना है जेपीजी में, ठीक है। और उसके बाद हमने पिक्चर को अपलोड करना है, सही है। तो इस तरह से हमने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देनी है फेसबुक को, फिर आपका बिजनेस मैनेजर बनेगा, ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गया सबको? अगर कुछ कंफ्यूजन है ना, तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज क्लियर का मैसेज करें, मैं आगे चलूं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम रह गया।
अच्छा, इसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आता है ना ये बनाने में, तो आप बाद में भी मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी, परेशान नहीं होना कि नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? बेसिकली वैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा अगर, और आपका अगर तो प्रोफाइल अपने नेम से नहीं है तो उस फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स अगर आपका प्रोफाइल आपके आईडी कार्ड वाले नेम से नहीं बना हुआ, फिर आप उसको अपने आईडी कार्ड की कॉपीज की पिक्चर्स भी देंगे ना, फिर भी वो नहीं आपका बनाएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है, और 30 डे ओल्ड आपकी प्रोफाइल होना जरूरी है, ठीक? अच्छा, अब मैं आपको ये ना मेरा जो बना हुआ बिजनेस मैनेजर, आपको मैं वो ओपन करके दिखाती हूँ। उसमें से मैं अब आपको ये बताऊंगी कि हमने कैसे अपने क्लाइंट की एक्सेस लेनी है, क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस कैसे लेनी है, तो ताकि हम उसकी एड को रन कर सकें, ठीक है? अब हमने बेसिकली हमारा यही काम रह गया कि हम ये सीखें कि हमने अपने क्लाइंट के कैसे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है ताकि हम उसकी एड्स को रन कर सके। बाकी जो एड रन करने का प्रोसेस है वो सारा आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से, ठीक है? तो उसी मेथड से हमने एड्स रन करनी है, ठीक? बिजनेस मैनेजर ओपन हुआ हुआ है, ये आपने ओपन करने के लिए वो वेबसाइट लिखनी है business.facebook.com, ठीक है? तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरा यूआरएल में शो भी हो रही है वेबसाइट आपको। अब देखें शो हो रही है ना, आपने जस्ट यहाँ तक लिखना है फेसबुक business.facebook.com, और आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है? और ये ओपन तब होगा जब आपकी फेसबुक प्रोफाइल पहले से आपके ब्राउजर में ओपन है और आपने उसका पासवर्ड सेव किया हुआ है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है? फिर ये ओपन हो जाएगा आपका बिजनेस मैनेजर। अगर नहीं है तो फिर आपको पहले फेसबुक प्रोफाइल को अपना लॉगिन करना पड़ेगा और उसका पासवर्ड को अपने ब्राउजर में सेव करना पड़ेगा, फिर आप ये एंटर करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है? ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें ये ना ऊपर, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो शोर है ना इमेज, यहाँ पे देखें आपका ना, यहाँ पे बिजनेस जो आपके बिजनेस अकाउंट्स है ना, जो जिस नेम से आपने अभी बनाया, जैसे आपने अपनी एजेंसी का नेम रख लिख के बिजनेस मैनेजर बनाते हुए आपने एजेंसी नेम दिया था ना, वैसे मेरे एजेंसी का नेम था एड्स प्लायर, तो मैंने उसके नेम से एक बनाया हुआ था बिजनेस मैनेजर, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे ना और भी अकाउंट्स जो है ना, मैं बिजनेस अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। एक मेरा बिजनेस अकाउंट जो है वो डिजिटलाइज के नेम से है। अब जब भी आपका किसी का भी बिजनेस मैनेजर बन जाता है ना, तो उसके बिजनेस अकाउंट के अंदर हमने जो है ना एक ऐड अकाउंट बनाना होता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो पर्सनल एड्स मैनेजर होता है ना हर किसी का, उसकी प्रोफाइल के अंदर, उसके अंदर एक ऐड अकाउंट भी होता है। जो मैंने आपको यहाँ पे टॉप पे शो करवाया था ना कि मेरे नेम था और उसके आगे एक आईडी भी लिखा हुआ था, वो ऐड अकाउंट का आईडी था। और मैंने आपको बताया था कि ये ऐड अकाउंट जो होता है ना फेसबुक के पास, हर एक पर्सन का अपना एक अकाउंट होता है जिस अकाउंट के थ्रू वो एड्स को रन करता है, ठीक है? तो इसी तरह, लेकिन जब आप बिजनेस मैनेजर बनाते हो ना, तो आपका एड अकाउंट खुद से नहीं बनता, लेकिन जब तक पर्सनल एड मैनेजर आप ओपन करते हो आपका एड अकाउंट पहले ही बना होता है। लेकिन जब आपने बिजनेस मैनेजर बना लिया है ना, तो इसमें पहले से आपका एड अकाउंट बना नहीं होता, आपको बनाना पड़ता है, ठीक है? तो वो बनाने के लिए आपने यहाँ पे ना एड अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एड पे क्लिक करना है, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगी क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना, और फिर जो आपने अपने ऐड अकाउंट का नेम रखना है ना, आप वो यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है? सपोज करें मैं यहाँ पे ना डिजिटलाइज ही लिख देती हूँ। अब यहाँ टाइम जोन हमने सिलेक्ट करना होता है, तो पाकिस्तान में का जो टाइम जोन है वो यहाँ पे ना कराची के नेम से स्टोर हुआ हुआ है, सेव हुआ हुआ है, तो ये एशिया कराची वाला आपने सिलेक्ट करना है टाइम जोन, और करेंसी इसमें यहाँ से पीकेआर सिलेक्ट करनी है, ठीक है? पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस, ये वाली हमें सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब एक बिजनेस अकाउंट है डिजिटलाइज, उसके अंदर आप एक और एड अकाउंट बना रहे हो डिजिटलाइज नेम का, ठीक है? वो आपको ये बता रहा है कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, कि आप ये हायरार्की बन रही है इसको देखें और फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आई एग्री टू द मेटा टर्म्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये अब आप उसके बाद ये वाला जो क्रिएट एड अकाउंट वाली ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगी, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है? अब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं,
तो अभी हम यहाँ पे नहीं अटकना चाहते। आप लोग ने एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने ये नहीं करना कि बिजनेस मैनेजर बना लिया फौरन उसमें अपना कार्ड अटैच कर दिया, पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, कि आप कभी भी ना कीजिएगा। जब आपने अपनी ऐड रन करनी है ना, जस्ट उसी टाइम आप अपना कार्ड अटैच किया करें, क्योंकि जो ये बिजनेस मैनेजर्स वगैरह होते हैं इसमें ना हैक होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस आपने कभी ये नहीं करना कि फॉर अभी आपने एड रन करनी नहीं है और आप पहले कार्ड अटैच कर दो, ठीक है। जब आपने अपना एड रन करना है उस टाइम अपना कार्ड अटैच कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना और फिर आप डन कर दें। और पेमेंट मेथड तो आपको पता है ना, जब हम अपनी पूरी की पूरी कैंपेन बना लेते हैं उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करते हैं, उसी टाइम वो आपको कहता है कि आप पेमेंट मेथड ऐड कर दें, तो वहां पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नहीं क्लिक करना। अब देखिए मेरा एड अकाउंट बन गया डिजिटलाइज नेम का। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे पास फुल कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास ही है, क्योंकि ये मेरा ही बिजनेस मैनेजर था ना, तो मेरे पास फुल कंट्रोल आ गया इसका, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए बिजनेस मैनेजर में ना कुछ ऑप्शंस हैं, एक पीपल के ऑप्शन है और एक पार्टनर के ऑप्शन है, ठीक है। पीपल बेसिकली क्या होता है और पार्टनर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये हमने गौर से सुनना है। देखिए जैसे आपकी ये मतलब बिजनेस मैनेजर है, वो हम एक एजेंसी रन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, मीन्स हमने एक से ज्यादा लोगों की एड्स रन करनी है। अब जब हम बहुत सारे लोगों की एड्स इकट्ठी रन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम अकेले काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ ना कुछ और लोग भी काम कर रहे होते हैं हमारी एजेंसी में, ठीक है। तो वो जो लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, उनको हम पीपल कहेंगे, ठीक है। और हम जब किसी का भी एड रन करना है ना, उसकी एक्सेस जब अपने अकाउंट में ले लेते हैं ना, तो फिर वो जिस अपने जो स्टाफ है उसमें से जिसको हम चाहते हैं ना कि वो ये वाले पर्सन का क्या बिजनेस तुम मैनेज करोगे, और एक को हम दूसरे को हम कहते हैं कि ये वाले का तुम मैनेज करोगे, तो फिर उनको हम यहाँ पे जाकर ना पीपल में एक्सेस देते हैं, ठीक है, उन प्रॉपर चीजों की जिनकी मतलब उन बिजनेसेस की एक्सेस देते हैं जिनको उन उन जिनको हम चाहते हैं कि वो रन करें, जिनकी एड्स हम चाहते हैं कि वो रन करें, ठीक है। तो यहाँ से हम पीपल्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब हम अपनी एजेंसी के जो लोग हैं ना उनको ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप ना इनवाइट पीपल पे क्लिक करके जिसको हमने इनवाइट करना है ना कि वो ऐड हो जाए आपके बिजनेस मैनेजर में, ताकि वो दूसरे लोग उसको आप एक्सेस दें किसी और के ऐड रन करने के लिए, तो उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। ये पीपल वाला सेक्शन इसलिए यूज होता है ताकि आप लोगों को अपनी एजेंसी में ऐड करें जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, दूसरे लोगों की किसी मतलब आप सब वो हम ना फिर एक्सेस देते हैं उन्हें। ये नहीं कि वो जितने भी लोग आपकी बिजनेस मैनेजर में ऐड है, जितने भी लोगों के बिजनेसेस ऐड है, हर एक के बिजनेस की एक्सेस उनके पास नहीं जाएगी। आप जिस के बिजनेस की दो गए उन्हें ऐसा है उसकी ही एक्सेस उसके पास होगी, वह जस्ट उसका ही रन कर सकेंगे, किसी और के ऐड को देख भी नहीं सकेंगे आपके पास से, आपके बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। तो आपने उनको यहाँ से एक्सेस देनी होती है जिसको भी आप अपनी एजेंसी में ऐड करना चाहो, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद ना आपके पास पार्टनर्स का सेक्शन रहता है। पार्टनर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी के बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है या किसी को अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस देनी है, बेसिकली हम पूरे बिजनेस मैनेजर की एक्सेस नहीं देते, जो हमने एड अकाउंट बनाया ना हम उसकी एक्सेस लेते हैं या उसकी एक्सेस देते हैं, क्योंकि एड अकाउंट के थ्रू ही एड अकाउंट यूज होता है बेसिकली एड्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो हम या तो अगर हमने किसी के एड अकाउंट की एक्सेस लेनी है या अपने एड अकाउंट की एक्सेस किसी को देनी है ना, तो उसके लिए हम ये पार्टनर वाला सेक्शन यूज करते हैं। ये अभी मैं आपको एक्सेस लेके दिखाऊंगी, लेकिन ना मीटिंग खत्म होने में ना 1 मिनट एंड 13 सेकंड रह गए, तो मैं ये लिंक अभी इस वक्त मैं एग्जिट करती हूँ, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग आपको लिंक सेंड करती हूँ ना, तो उसमें फिर मैं आपको इंशाल्लाह एक्सेस लेके दिखाऊंगी कि हमने कैसे लेनी है या हम एक्सेस देनी कैसे, ये काम मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो तब तक आप लोग ये काम करें, बिजनेस मैनेजर देखें आप लोगों का, अगर उतने टाइम में आपको क्रिएट हो जाता है या अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम होती है वो भी मुझे बताइए, ठीक है। तो फिलहाल मैं एग्जिट करती हूँ मीटिंग। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये सीख लिया है कि हमने अगर किसी और के बिजनेस की एड्स को रन करना है तो उसके लिए हमें अपना एक अलग से बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस बिजनेस मैनेजर अकाउंट और इसके अलावा अपने उस क्लाइंट का भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके हमने एड्स को रन करना है, और उसका एड अकाउंट एक खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उस एड अकाउंट की हमने एक्सेस अपने
बिजनेस मैनेजर में लेनी है, ठीक है। तो जब हम वो एक्सेस ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम उसकी एड्स को अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रन कर सकते हैं। तो एक्सेस हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमने ना पार्टनर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। पार्टनर के जो मतलब जो आपके सॉरी क्लाइंट का होगा ना बिजनेस मैनेजर, उसके बिजनेस मैनेजर के अंदर पार्टनर पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए पार्टनर टू शेयर एक्सेस विद, अब एसेट्स विद, एसेट्स का मतलब होता है जो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट्स है एड बने हुए हैं, या पेजेस एड हैं, या इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जैसे यहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एसेट्स हैं। तो आप यहाँ से अपने अगर एसेट्स की एक्सेस किसी को देना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब कि आपने शेयर करनी है एसेट्स को किसी पार्टनर के साथ। तो अगर तो आप इसके लिए हमने अपने क्लाइंट का जो बिजनेस मैनेजर है उसमें जाके यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पे, ठीक है, या फिर वो क्लाइंट खुद ऐड एंटर करेगा। और एक और चीज देखें, यहाँ पे जो आपका बिजनेस मैनेजर का यूआरएल आ रहा है ना, इसके एंड पे लिखा है बिजनेस आईडी, ये आपके बिजनेस मैनेजर का आईडी है बेसिकली, ये वाला लास्ट में जो डिजिट्स की फॉर्म में इक्वल टू के बाद, ये वाला आईडी मेनली आपने कॉपी करना है और अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, ठीक है। वो क्लाइंट फिर यहाँ पे पार्टनर टू शेयर एसेट्स विद पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे उसने अपने पार्टनर का बिजनेस आईडी एंटर करना है जिसके साथ वो अपनी एसेट्स को शेयर करना चाहता है, ताकि उसकी एड्स रन कर सके हम एज अ पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारा बिजनेस आईडी एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ये हमारा अपना ही बिजनेस मैनेजर, हम इसमें अपना ही बिजनेस आइडिया एंटर कर रहे हैं ना, इसलिए नीचे एक एरर हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो जिसने भी जो आप क्लाइंट होगा उसको हम अपना बिजनेस आईडी देंगे, और हमारा आईडी यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करेगा, और फिर वो हमें अपने एड अकाउंट की एक्सेस देगा और फेसबुक पेज की एक्सेस देगा जिसकी कि वो रन करवाना चाह रहा है एड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है किसी के भी एड अकाउंट की एक्सेस लेने का, ताकि उसकी एड्स को रन किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ना फेसबुक मार्केटिंग का जो सेक्शन है वो खत्म हुआ, और इसके साथ ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग का भी सेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम की जो एड्स हैं वो भी सेम वैसी मेथड से ही रन होती है जिस मेथड से फेसबुक एड्स रन होती हैं, और दोनों एक ही जगह से रन हो रही होती है। जैसे हमने प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है, वो मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, और अब हमारा जस्ट इसके बाद गूगल मार्केटिंग रह गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप सब लोग मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।